हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रही। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कि हरियाणा में सरकार को आप कहिए कि दिल्ली वालों को पानी दें, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला। मुझ पर हमला करने के लिए कुछ गुंडों को भेजा। हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम आपकी धमकियों से झुकने वाले नहीं हैं। आप मुझ पर कितने भी हमले कर लो, मैं डरूंगी नहीं। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। कल से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं था, अनशन पर क्यों बैठे, अन्न क्यों त्याग दिया। देखिए, आप सब जानते हैं कि दिल्ली में पानी की कितनी कमी है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली को कुल पानी जो मिला हुआ है वो 1005 MGD है। इसमें से 613 MGD, 613 मिलियन गैलन हर दिन हरियाणा से आता है, यमुना नदी में आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों का पानी रोक दिया है। हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रही। उन्होंने अपने पानी की संख्या को घटाकर 513 से 500 MGD कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, 1 MGD पानी, 1 मिलियन गैलन पानी एक दिन में 28,500 लोगों को पानी देता है, उनके पीने का पानी, उनके घर का पानी। तो जब हरियाणा सरकार 100 MGD पानी रोक देती है तो 28 लाख दिल्ली वालों का पानी रुक जाता है। उनके घरों में पानी नहीं आता, उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाना बनाने को पानी नहीं है, उनके पास नहाने धोने के लिए पानी नहीं है। जब से हरियाणा सरकार ने पानी रोका, मैंने हर कोशिश करके देख ली, मैंने हरियाणा की सरकार से बात करी, उनके मुख्यमंत्री से बात करी, मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करी कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा पानी है तो आप दिल्ली को दे दो। हिमाचल प्रदेश की सरकार तैयार थी, उनके मुख्यमंत्री तैयार थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश का भी पानी हरियाणा से ही होके आना है। हरियाणा सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट भी गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। मैंने अपने अफसरों को भेजा, दिल्ली सरकार के सबसे सीनियर अफसर चंडीगढ़ गए हरियाणा से पानी मांगने के लिए, उन्होंने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कि हरियाणा में सरकार को आप कहिए कि दिल्ली वालों को पानी दें, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला। जब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, उसके बाद मैं अनशन पे बैठी। देखिए, गांधी जी ने हमें सिखाया कि जब हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सत्याग्रह के अलावा और कोई तरीका नहीं बचता है। तो हम यहां पे गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया, सच्चाई की लड़ाई के लिए गांधी जी ने अनशन किया, तो आज 28 लाख दिल्ली वालों को पानी दिलवाने के लिए मैं यहां पे अनशन पे बैठी। आज सुबह इन लोगों ने हमारे यहां पे अनशन को डिस्टर्ब करने के लिए, हल्ला करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए कुछ गुंडों को भेजा। लेकिन मैं इनको बता दूं कि हम गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम आपकी धमकियों से झुकने वाले नहीं हैं।
आप मुझ पे कितने भी हमले कर लो, मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं दिल्ली वालों की हक की लड़ाई लड़ती रहूंगी। ये अनशन पिछले दो दिन से चल रहा है और जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनका पानी नहीं मिलता है, मैं इसी तरह से यहाँ पे अनशन पे बैठी रहूंगी, मैं इनसे डरूंगी नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।